आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स बीज चैनल। कुछ बच्चे हैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ बच्चे हैं जो फेल हो गए, कुछ बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत कम आए, कईयों को लगता है कि शायद से हमारे नंबर और अच्छे आने थे, कईयों के नंबर बहुत अच्छे आए लेकिन फिर भी उनको लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई और उनको जो है दोबारा से रीवैल्यूएशन करना चाहिए, रीचेकिंग करनी चाहिए या फोटोकॉपी चाहिए। वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब क्या करना चाहिए। तो बता दूं, तीन बातें होती हैं, रीचेकिंग होती है, रीवैल्यूएशन होती है और फोटोकॉपी। ये तीन चीज़ें होती हैं जो आप जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 12th क्लास दोनों बच्चों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 15 जुलाई को CBSE ने कहा था नोटिस रिलीज होगा। नोटिस आप एक बार अच्छे से आप चाहो तो एक बार दोबारा से आप देख सकते हो, मैं पूरा डिटेल में देख चुका हूँ। 17 जुलाई को विंडो खुल जाएगी, 17 या 18 जुलाई को CBSE ने बोला है, टेंटेटिव डेट है 17 का, 18 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन उस टाइम पे रहती है। अब जैसा कि हम जानते हैं 87,651 कंपार्टमेंट जो है सिर्फ 12th क्लास की आई हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे अनसेटिस्फाइड होंगे। कईयों को लगता होगा कि हमें, मेरे दोस्त को इतने नंबर मिले हैं, मुझे क्यों नहीं मिले हैं, मैंने तो प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। डेफिनेटली आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो आप ही बच्चों के लिए है। जहां तक बात है बच्चों, कौन अप्लाई कर सकता है, जो बच्चा पास है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो बच्चा फेल है वो भी अप्लाई कर सकता है। कहां पे अप्लाई कर सकता है? CBSE.tic.in पे वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। डेट्स क्या रहेंगी? 17-18 जुलाई तक का, 17 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का टेंटेटिवली बोला गया है। बेसिकली समझ में आ जाएगा करना क्या है, कैसे करना है और किस तरह से होता है। डेट्स कौन कौन सी है, क्या क्या डेट्स का आपको ध्यान रखना है? बच्चों तीन बातें हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, यानी अगर आप चाहते हो कि आपके रीटोटलिंग हो जाए, एक बार टोटलिंग दोबारा से हो जाए, आपकी आंसर शीट में जो जो क्वेश्चन की मार्किंग की है वो टोटलिंग दोबारा हो जाए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा डेट्स के बारे में, कौन कौन सी डेट्स पे आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, मैंने आपको वेबसाइट बता दी है। 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में ये विंडो खुलेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं CBSE.nic.in पे। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन फीस भरनी है, फीस के बारे में आपको अभी बताता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो जानना चाहते हैं बच्चे, क्या होता है इसमें? आपकी रीटोटलिंग हो जाती है, आपके सारे मार्क्स एक बार टोटल कर लिए जाएंगे कि आपकी रीटोटलिंग कहीं गलत तो नहीं हो रही है। शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं 21 जुलाई तक, ये नोट कर लेना। दूसरी बच्चों इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप चाहते हो फोटोकॉपी, अगर आप चाहते हो कि आप अपने, आपने जो लिखा है उसकी आप फोटोकॉपी ही मांगना चाहते हो, तो आप फोटोकॉपी भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए जो डेट्स रहेंगी 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त, यानी सिर्फ 2 दिन के लिए, 1 अगस्त और 2 अगस्त को, और शाम को 5 बजे तक के लिए ही विंडो खुली है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 ही दिन आपके लिए हैं, इसमें आपको, उसमें आपको पूरी फोटोकॉपी ही मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट सेम है, ठीक है, टाइम वही शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। तीसरी बात, री इवैल्यूएशन में क्या होता है, टीचर पेपर को, क्वेश्चन पेपर को दोबारा चेक करता है, और इसके लिए जो डेट्स हैं वो 6 और 7 अगस्त के लिए हैं, ठीक है, और 6 और 7 अगस्त, डेट्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, टेंटेटिवली बता रहा हूँ, और ये 3 वीक्स CBSE ने खुद ही बोला है कि टेंटेटिव डेट्स हैं, डेट्स चेंज हो सकती हैं, और ये भी शाम को 5 बजे तक इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए खुला रहेगा, ये भी 2 दिन का समय रहेगा आप सबके पास। इन तीनों में से कौन सा सबसे बेटर है, तो ये आपको देखना है कि आपको इस टाइम पे क्या, आपको इस टाइम पे सूट करता है। मेरी राय अगर आप लेते हो तो मैं सजेशन दूंगा कि आप री इवैल्यूएशन के लिए जाओ, क्योंकि री इवैल्यूएशन में वेरिफिकेशन और मार्क्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि टोटलिंग दोबारा से होगी। लेकिन अब आपको आते हैं, आप, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीस बहुत मैटर करती है इसमें। फीस आप एक बार देख सकते हैं कि फीस इसका क्या रहता है। जहां तक बात है वेरिफिकेशन और मार्क्स के बारे में, 500 रुपीज जो है वो आपके एक सब्जेक्ट के, आपके अगर रीटोटलिंग अगर वो करते हैं तो CBSE आपसे चार्ज करेगा एक सब्जेक्ट का। अगर आप रीटोटलिंग करवाते हैं, रीटोटलिंग के अंदर आपका पेपर चेक नहीं होगा, आपकी सिर्फ टोटलिंग, मार्क्स टोटलिंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन अनचेक है तो वो चेक वो देख लिया जाएगा, ये देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन अनचेक ना हो, वो देख लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए, तो अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की अगर आप फोटोकॉपी मांगते हैं, तो यू विल हैव टू चार्ज 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ आपको चार्ज करने पड़ेंगे, मतलब आपको देने पड़ेंगे, आपसे चार्ज किए जाएंगे। और ये सारा कुछ है ऑनलाइन अप्लाई करना है पेमेंट्स, क्योंकि इस टाइम आज की डेट में ऑफलाइन का कोई प्रोसीजर नहीं है, फेक उसमें मत पड़ जाना, ठीक है। जहाँ तक रीवैल्यूएशन की बात है, अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव है, ये मुझे बहुत बुरा लगा देख के, पर CBSE 100 रुपीज़ बच्चों चार्ज करता है पर क्वेश्चन। तो दैट मीन्स अगर आपके पेपर में 37 क्वेश्चन को अगर आप दोबारा से रीवैल्यूएशन चाहते हो, तो दैट मीन्स आपको 3700 रुपीज़ देने पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर फॉर वन सब्जेक्ट, बट इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको वीडियो जो है काम का लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि किसी को इस रीवैल्यूएशन और इन सब की जानकारी नहीं है, तो आप उसको, उसके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।